आज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बैठक सकत्तर डॉक्टर रूप सिंह जी की अध्यक्षता में एसटीपीसी के कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई। इस मौके पर डॉक्टर रूप सिंह ने बातचीत करते हुए कहा कि 7 अक्टूबर को सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, उसके संबंध में ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है। साथ ही उन्होंने इस संबंध में पुलिस और प्रशासन को ज्ञापन पत्र सौंप दिए हैं और श्रोमणी कमेटी के प्रधान सरदार कृपाल सिंह बंडूगर जी के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व पूरी दुनिया में यादगार होगा। सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में इस बार फूलों की सजावट की सेवा बखूबी संगत द्वारा की जा रही है। इस बार पूरे भारत से ही नहीं विदेशों से भी फूल मंगवा कर सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब की शोभा बढ़ाई जाएगी। साथ ही सचखंड श्री अमृतसर शहर के निवासियों से अपील की है कि किसी भी जाति या धर्म से संबंध रखते हों, इस दिन अपने घर दीपमाला जरूर करें। जिन्हां दे सिर ते प्रेस दा कार्ज हुंदा, मीडिया दा कार्ज हुंदा, उन्हां नूं सद्दा पत्र दित्ता कि असीं गुरु रामदास पातशाह जी दा जिहड़ा पावन प्रकाश गुरपुरब मना रहे हां, विशेष करके 7 तरीक नूं प्रकाश गुरपुरब आ, उहदे संबंध दे विच तुहाडे नाल खुशी दा इजहार करन लई तुहानूं सद्दा दित्ता। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों गुरु रामदास पातशाह जी दा प्रकाश गुरपुरब विशेष रूप च मनाया जांदा। इस वार मानयोग प्रधान साहब प्रोफेसर कृपाल सिंह जी बडूंगर दे दिशा निर्देशां अनुसार साडा जतन है कि असीं अमृतसर शहर दे हर निवासी तक पहुँच करिए कि गुरु रामदास पातशाह, क्योंकि शहर के पवित्र पावन इतिहासक शहर के बानी ने, तो साडा सारे का फर्ज है कि असी प्रकाश गुरपुरब शमूलीयत करिए। प्रकाश गुरपुरब शमूलीयत करके गुरु रामदास वालों पातशाह वालों किए परोपकार अपने बहुत ही जिम्मेवार भरावान, जिन्हों के सिर पर प्रेस का कार्ज हुंदा, मीडिया का कार्ज हुंदा, उन्होंने सद्दा पत्र दिता कि असीं गुरु रामदास पातशाह जी का जिहड़ा पावन प्रकाश गुरपुरब मना रहे हैं, विशेष करके 7 तरीक नूं प्रकाश गुरपुरब आ, उहदे संबंध दे विच तुहाडे नाल खुशी का इजहार करन लई तुहानूं सद्दा दिता। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों गुरु रामदास पातशाह जी का प्रकाश गुरपुरब विशेष रूप च मनाया जाता। इस वार मानयोग प्रधान साहब प्रोफेसर कृपाल सिंह जी बडूंगर दे दिशा निर्देशों अनुसार साडा जतन है कि असीं अमृतसर शहर के हर निवासी तक पहुँच करिए कि गुरु रामदास पातशाह, क्योंकि शहर के पवित्र पावन इतिहासक शहर के बानी ने, तो साडा सारे का फर्ज है कि असीं प्रकाश गुरपुरब शमूलीयत करिए। प्रकाश गुरपुरब शमूलीयत करके गुरु रामदास वालों पातशाह वालों किए परोपकारों याद करिए, उन्हों का शुकराना करिए, तो सारे मिलकर जिहड़ी हर सिख सवेरे शाम सरबत्ते भले की अरदास करता वा, वो अरदास करिए कि सच्चे पातशाह सानू सारिआं नूं सेहत जाबी बख्शे, तंदुरुस्ती बख्शे, साडे घरां दे विच चढ़दी कला होवे, दुखां दलिद्रां कलेशां दा नाश होवे, खास करके अमृतसर शहर जिहड़ा वा ਉਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਉਹ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ, ਨਾਮ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਯਤੀਮਖਾਨਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ਰਮ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਦਿਆਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਬੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ।
इस कार्य दे रही असी इस बार अमृतसर शहर दीपमाला कर ले सारे घर सारे शहर निवासियों प्रधान साहब वालों भी अपील की जा रही है। साडा जतन है कि हर शहरी जिहड़ा वा अमृतसर का हर शहरी भावें वह किसी भी जात बरादरी धर्म न संबंधित आ किते न संबंधित आ वह गुरु रामदास पातशाह जी के गुरपुरब न समर्पित भावें चार दीवे जगाए चार मोमबत्तियां जगाए चार बल्ब जगाए। इस कार्य दे विच असीं अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भी इस बार दीपमाला होएगी बस स्टैंड पर भी होएगी रेलवे स्टेशन पर भी होएगी तो अज ही सानूं यह भी सफलता मिल गई आ कि अंतरराष्ट्रीय जिहड़ा बार्डर आ वाघा बार्डर आ अटारी बार्डर आ उहदे उपर भी दीपमाला की जाएगी तां कि लोगों के जिहड़े इत्थे यात्रू आ रहे हैं भावें उह बाई एयर आ रहे हैं भावें बाई रोड आ रहे हैं भावें भाई बस आ रहे हैं एक क्वेश्चन पैदा हो सके कि अज शहर नूं क्यों सवारिया गया क्यों सजावट की गई है क्यों दीपमाला की गई है। तो जो असीं दीपमाला का जवाब देंगे कि अज चौथे पातशाह साहब श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश गुरपुरब आ तो साडा गुरपुरब मनाउणा जिहड़ा सफला हो जाएगा।